हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। आज हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की। ये क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है। ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब को अर्थ का मिनिएचर फॉर्म या फिर ट्रू मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ को अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है ग्लोब के थ्रू। और ग्लोब जो है उसके ऊपर कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस करेक्ट साइजेस में दिखाए जा सकते हैं। और ग्लोब जो है इसके अंदर कुछ नीडल वगैरह फिक्स कर दी जाती है, जिसे हम अर्थ का एक्सिस मान के चलते हैं। हालांकि जो अर्थ है उसके ऊपर जो एक्सिस है वो लाइन नहीं होती है, ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं। और ग्लोब को भी हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में रखेंगे, जिस तरीके से अर्थ है। और ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, वेस्ट टू ईस्ट। ये यहाँ पे ये सीटेट में ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये ऐसे पूछा गया था कि अर्थ किस तरीके से मूव करती है, मतलब अर्थ की डायरेक्शन क्या है मूव करने में। वेस्ट टू ईस्ट इसका आंसर है। और आपको ऑप्शंस कुछ ऐसे मिलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं दोनों में, तो ये याद रखना आप। और जो अर्थ है उसके अंदर एज सच कोई इमेजिनरी लाइन नहीं होती है, लेकिन ग्लोब के थ्रू ये ऐसा दिखाया जाता है ताकि हम अच्छे से अर्थ को डिफाइन कर पाएँ। उसके अंदर आप इक्वेटर भी देखेंगे, जैसे कि अगर ये ग्लोब है तो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये ऐसी लाइन होती है जिसे हम इक्वेटर के तौर पर पढ़ते हैं, जो 0 डिग्री की होती है। और इसको दो भागों में बांटा जाता है। ये देखिए हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। और हेमी का मतलब होता है हाफ, तो हाफ ऐसे हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में ये बांट दिया जाता है। तो ऐसे हम समझेंगे इसको। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रियलिटी में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ हम इमेजिनरी लाइंस को लेके हम चलते हैं और इन पे इसी के थ्रू हम अर्थ को स्टडी करते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? जब हम कोई भी डिस्टेंस को एंगल में माप सकें, ठीक है, एंगल में क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये है, ये आप देख सकते हैं, ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और ये देखिए आप, ये इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इक्वेटर की, तो ये नॉर्थ पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है वो है साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। और ये देखिए आप, पीछे का हिस्सा आप देख नहीं सकते, पर आप ऐसे सोचिए कि ये कुछ 3D फॉर्म में है, और आप इसको सोचिए कि ये पीछे से ऐसी लाइन घूम के आ रही है, और आप इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे। तो ये देखिए, ये इक्वेटर से जब आप ऊपर की तरफ आते जाएंगे, ये लाइन देखिए, ये अब छोटी होती जा रही है, ये है लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स की जो ये आप देख सकते हैं लेंथ है, लेंथ घट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिए डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है, ओनली लेंथ घट जाती है लैटिट्यूड्स की। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम बात कही गई है कि इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, वैसे ही लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। आपको ये डायग्राम जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और सेम ही डिस्टेंस पे, इक्वेटर से अगर सेम डिस्टेंस पे नापा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो है साउथ में, और इसे, इसका जो एंगल है वो है 23.5 डिग्री साउथ। फिर आर्कटिक सर्कल देखते हैं, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ, फिर बाद में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। और इसमें तीन जोन दिए गए हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन, ठीक है। देखिए टॉरिड जोन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही गर्मी वाला टाइम जो है इसे कह सकते हैं, और इस टाइम पे हीट काफ़ी होती है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अर्थ है और ये इक्वेटर, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो सन है उसकी जो रेज हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट इन पे, ये किरणें जो हैं ये देख सकते हैं, ये डायरेक्ट बिल्कुल इन पे पड़ती है, तो इस वाले एरिया पे बिल्कुल डायरेक्ट हीट पड़ती है। तो ये वाला जो पार्ट है इक्वेटर से लेके
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये पूरा पार्ट जो है वो गर्म होगा, एकदम हीट होगा वहाँ पे, तो इसलिए इसे कहा जाता है टॉरिड जोन। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे ऊपर जाते जाते अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ सॉरी अगर हम यहाँ पे आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे नीचे साउथ में अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो ये रेज जो हैं ये स्लैंटिंग हो जाती हैं, ये स्लैंटिंग हो गई हैं देखो, और ये स्लैंटिंग हो जाती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर रेज जो है वो कम पहुँच पाती है, तो इसलिए जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो बिल्कुल फ्रिजिड जोन में होता है, बिल्कुल जमा हुआ होता है। और टेम्परेट जोन की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके एंटार्कटिक सर्कल के बीच का ये जो एरिया है यहाँ पे स्लैंटिंग वे से पहुँच पाती है रेज, जो सन की रेज होती हैं, और इसलिए ये जो जोन है ये टेम्परेट जोन होता है। और अगर फ्रिजिड जोन की बात करें तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे बिल्कुल भी रेज नहीं पहुंच पाती हैं अच्छे से, तो इसलिए वो बिल्कुल जमा हुआ प्लेस होता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। चलिए अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये हैं लॉन्गिट्यूड्स और ये बीच में ये आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री, ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये है प्राइम मेरिडियन और ये है लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस। और देखिए ये बिल्कुल लेटिट्यूड से उल्टा है, जैसे कि अगर हम लेटिट्यूड की बात करें तो वहाँ पे डिस्टेंस सेम था, लेंथ जो है वो घट रही थी, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है वो नहीं घटेगी, लेंथ बिल्कुल सेम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जाके घटने लगता है। ठीक है, और ये नॉर्थ एंड साउथ को एक तरफ से मिलाती हैं ये लाइंस, और यहाँ पे जाके ये लाइन मिल जाती हैं अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, और नीचे अगर हम साउथ पोल की बात करें तो ये जो लाइनें हैं एक दूसरे में कन्वर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं। और देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है उसको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेज़र कर सकते हैं, और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये ऊपर आके ऐसे घटता जाता है और ऊपर जाके ये बिल्कुल 0 पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, अब चलिए कुछ बातें प्राइम मेरिडियन की कर लेते हैं। ये है प्राइम मेरिडियन, ये भी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है, ईस्टवर्ड और यहाँ पे है वेस्टवर्ड, और इसको हम 0 डिग्री से नापते हैं प्राइम मेरिडियन को। और प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, ये है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन के थ्रू पास होता है, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये हुआ अभी हमारा प्राइम मेरिडियन के बारे में। अब इसके बाद हमारे सिर्फ टाइम वाला कंसेप्ट बचा हुआ है, और उससे सीटेट में एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है, और वो कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको हम अलग सेगमेंट में बांट देते हैं, अलग वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। तो ये इतना अभी तक आप तैयार कर लीजिए, कल हम टाइम पर बात करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल स्किप ना करना। तो आपको मेरा चैनल अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दिस साइड प्रियंका गौर, कीप लर्निंग।